नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सभी आईटी स्टूडेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, आईटीआई के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए थ्योरी सब्जेक्ट और इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के लिए आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग जो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेज है, अर्धचालक युक्तियाँ हैं, उन सभी अर्धचालक युक्तियों के सिंबल, प्रतीक चिन्ह। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा डायरेक्टली जो है सिंबल का या तो क्वेश्चन आ जाता है या फिर जो है सिंबल के टर्मिनल्स के जो नाम है, संयोजक सिरों के नाम है, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में जो है दोस्तों, हम लोग जितनी भी अर्धचालक युक्तियां हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, उन सभी के सिंबल्स, प्रतीक चिन्ह जो है वो देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है अपना सभी अर्धचालक युक्तियों के सिंबल। दोस्तों फर्स्ट है, देखो सबसे पहले मैं डायोड्स के सिंबल बना रहा हूँ। ठीक है, डायोड्स में देखो यार, सबसे पहले आता है नॉर्मल पीएन संधि डायोड, सामान्य पीएन संधि डायोड। ठीक है, पीएन संधि डायोड का सिंबल होता है दोस्तों ऐसा, आप सभी को पता होगा, ये एनोड है और ये कैथोड है। सेकेंड है दोस्तों जीनर डायोड, जीनर डायोड, और जीनर डायोड होता है दोस्तों ऐसा, ये जेड के जैसा यहां पे बना होता है, ये एनोड और ये कैथोड। ठीक है, इसके बाद में थर्ड बना देता हूं दोस्तों मैं शॉर्ट की डायोड, शॉर्ट की डायोड, शॉर्ट की डायोड का सिंबल देखो शॉर्ट की एस, तो यहां पे इसका सिंबल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एस का जैसा निशान होता है, एस के जैसा निशान। ठीक है, ये यहां से थोड़ा सा मुड़ावा रहता है, ये होता है शॉर्ट की डायोड। इसके बाद में दोस्तों मैं फोर्थ बनाता हूं वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, तो इसका सिंबल होता है दोस्तों एक डायोड बना दो और यहां पर जो है कैपेसिटर का जैसा चिन्ह बना दो, तो ये जाएगा वैरेक्टर डायोड। टर्मिनल सेम होते हैं एनोड और कैथोड। ठीक है, इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट में बना रहा हूं टनल डायोड, टनल डायोड, टनल डायोड, टनल ऐसे डायोड, ये इसका पीसी रहा और इसके बाद में ये ऐसे टनल के जैसे बना दो, तो ये जाएगा दोस्तों टनल डायोड। ठीक है, ये एनोड और ये कैथोड। इसके बाद में दोस्तों सिक्स में बना रहा हूं लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये डायोड बना दो और यहां पे जो है लाइट एमिट कर रहा है तो तीर के निशान बाहर की तरफ, तीर के निशान बाहर की तरफ, सामान्य तो तीन तीर के निशान लगाते हैं हम। ठीक है, ये एनोड और ये कैथोड। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट में बना रहा हूं सेवन फोटो डायोड, फोटो डायोड, फोटो मतलब प्रकाश जब गिरेगा तब डायोड काम करेगा, तो ये डायोड जो है इसे डायोड का सिंबल बना दो, डायोड का सिंबल और ये प्रकाश इस पे गिरता हुआ प्रकाश बना दो। ठीक है, आपतित प्रकाश की किरण है, ये हो जाएगा दोस्तों फोटो डायोड, एनोड तथा कैथोड। इसके बाद में देखो दोस्तों यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, इसे हम यूजेटी शॉर्ट में जो है यूजेटी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं यूजेटी। सिंबल कैसा होगा दोस्तों, ऐसे सीधी लाइन
यहां से एक ये बेस वन बी वन और यहां से एक लाइन ऐसे ये बेस टू, ठीक है। यहां पे ऐसे लाइन आएगी, एक ऐसे तिरछा आएगा, इसे हम लोग एमीटर कहते हैं दोस्तों, एमीटर, ठीक है, एमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी कहते हो, या फिर उसे नॉर्मली जो हम लोग ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं दोस्तों, किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, अब ट्रांजिस्टर में भी आप सभी को पता होगा दो होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। यस, अब देखो यार दोनों के अंदर ही क्या होता है, ये जो सीधी लाइन है यहां से लिया गया ये बेस होता है और ये भी इसमें भी क्या होता है बेस, ठीक है। ये जो है दोस्तों अगर मान लो इसको मैं एनपीएन बोल रहा हूं, एनपीएन, तो यहां पे तीर का निशान जो एमिटर होगा उसके ऊपर बाहर की तरफ होगा, तो ये होगा एमिटर और ये हो जाएगा दोस्तों कलेक्टर। और अगर इसको मैं पी एन पी बोल रहा हूँ, पी एन पी, तो यहाँ पे जो है ये कलेक्टर हो जाएगा और ये एमिटर हो जाएगा, और एमिटर पे जो तीर का निशान है वो अंदर की तरफ प्रवेश करता हुआ, एन पी एन, एन पी एन मतलब बाहर की तरफ निकलता हुआ, पी एन पी प्रवेश करता हुआ तीर का निशान, ठीक है। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट है अपने ट्रांजिस्टर के बाद में एफ ई टी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FIELD फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET से शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है N चैनल और एक होता है P चैनल, तो ये मैं बना देता हूं आपके लिए, इसके ऊपर सर्किट भी लगाना चाहो तो लगा दो दोस्तों, नहीं लगाना चाहो तो भी चलेगा। यहां पे ये जो टर्मिनल है ये सोर्स होता है, ये ड्रेन होता है दोस्तों, और ये गेट होता है, ये सोर्स, ये ड्रेन और ये गेट। अब यहां पे देखो यार, इसको यदि एन चैनल बोल लेंगे तो तीर का निशान अंदर की ओर होगा, एन चैनल, इसको बोलेंगे एन चैनल एफईटी, एन चैनल, ठीक है। और ये जो है दोस्तों पी चैनल, पी चैनल मतलब तीर का निशान जो है वो बाहर की तरफ, तीर का निशान बाहर की तरफ, ये कहलाता है पी चैनल, ठीक है। इसके बाद में आता है दोस्तों एफईटी के बाद में मॉसफेट, नेक्स्ट है MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये भी दो प्रकार का होता है, एन चैनल और पी चैनल। तो एन चैनल कैसे बनेगा, इसमें भी दोस्तों ये गेट होता है, ये सोर्स होता है और ये ड्रेन होता है, दोनों सिमिलर होंगे, पी चैनल एन चैनल, बस थोड़ा सा चेंज होगा, चेंज क्या होगा अभी मैं बताऊंगा। ये सोर्स, ये गेट, ये सोर्स और ये ड्रेन, ठीक है। अगर मान लो सुपोज दैट इसे हम लोग एन चैनल कहें, एन चैनल,
तो एन चैनल में यहाँ पे जो है तीर का निशान इस बीच वाली लाइन पे रहता है और अंदर की तरफ रहेगा, ठीक है। और अगर इसे हम पी चैनल कहें, पी चैनल, तो यहाँ जो तीर का निशान है वो दोस्तों बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो ये दो सिंबल होते हैं यहाँ पे जो है कि वृत्ताकार, ये वृत्त भी ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में 12th आईजीबीटी, इसके बाद में दोस्तों आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर आईजीबीटी। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, ट्रांजिस्टर के जैसा ही सिंबल होता है, बस इंसुलेटेड गेट होता है और यहाँ पे सीधे लाइन ये आर ये, ठीक है, इंसुलेटेड गेट एमिटर और ये कलेक्टर, ठीक है, ये होगा आईसीबीटी। अब यदि देखो दोस्तों आईसीबीटी ये जैसे एनपीएन और पीएनपी हो सकता है, तो यहाँ पे यदि तीर का निशान बाहर की तरफ है तो ये एनपीएन हो जाएगा, ठीक है, बाकी सिंबल जो है ऐसा होगा आईसीबीटी का। नेक्स्ट देखो 13th थायरिस्टर, थायरिस्टर कह दो या फिर एससीआर कह दो, थायरिस्टर या SCR, सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, SCR का मतलब है सिलिकन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इसका सिंबल होता है दोस्तों थायरिस्टर का एक डायोड के जैसा बनाओ, सेम डायोड के जैसा, यहाँ पे एनोड और यहाँ पे कैथोड, और यहाँ से जो है एक तीर ऐसे लेके लाइन और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दो, इसे हम कहेंगे गेट, ठीक है, ये थायरिस्टर का सिंबल हो जाएगा। इसके बाद में देखो दोस्तों डायक, डी आई ए सी, डायोड फॉर ए सी, तो डायोड डायक का सिंबल होता है दोस्तों ऐसा, दो डायोड लगाएंगे इसमें रिवर्स बाइस एक दूसरे के विपरीत दिशा में, टर्मिनल्स का नाम मेन टर्मिनल वन और मेन टर्मिनल टू, ये हो गया दोस्तों डायक का सिंबल। इसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों ट्राइक का सिंबल, टी आर आई ए सी ट्राइक, ठीक है, ट्रायोड फॉर ए सी, ट्रायोड फॉर ए सी, इसका सिंबल हो जाएगा दोस्तों डायक के जैसा बनाओ पहले, ये एम टी वन एम टी टू, यहां पे एक लाइन खींचो ऐसे और ये बना दो गेट, तो ये जाएगा दोस्तों ट्राइक का सिंबल, किसका हो जाएगा ट्राइक का। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट है जी टी ओ, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर या फिर गेट टर्न ऑफ स्विच बोलते हैं इसको, गेट टर्न ऑफ स्विच, ठीक है, ये होता है दोस्तों नॉर्मली थायरिस्टर के जैसा, एससीआर या थायरिस्टर ये बनाओ, एनोड और कैथोड। अब देखो दोस्तों यार, ये थायरिस्टर है और ये जीटीओ है, दोनों में कुछ अंतर नहीं होता, यहाँ पे सिंपल एक लाइन है, यहाँ पे क्या होती है दो लाइन होती है, ठीक है, ऐसे तिरछी दो लाइन होगी, इसमें से एक पे क्या होगा तीर का निशान अंदर की तरफ, तो दूसरी पे जो है तीर का निशान बाहर की तरफ, एक पे तीर का निशान अंदर की तरफ, दूसरी लाइन पे तीर का निशान बाहर की तरफ, और ये गेट हो जाएगा, ये जीटीओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेनली जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं उन सभी के सिंबल्स बनाए मैंने, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए या फिर आपके आईटीआई एग्जाम्स के लिए। आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा, इन सभी को जो है एक साथ बना लीजिएगा और जो है इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, ये है दोस्तों पीएन संधि डायोड फर्स्ट वाला, जीनर डायोड, शॉर्ट की डायोड, वेरेक्टर डायोड, टनल डायोड, देखो ये टनल जैसे गुफा के अंदर ट्रेन जा रही है ना, टनल, टनल का मतलब होता है गुफा एक तरीके से, तो टनल के अंदर जैसे गुफा के अंदर घुस रहा है, ठीक है। ये लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है, ये फोटो डायोड, प्रकाश गिर रहा है आपतित प्रकाश, ठीक है। यूजेटी यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर है दो प्रकार का होता है, एनपीएन और पीएनपी, एनपीएन में तीर का निशान बाहर की तरफ, पीएनपी में अंदर की तरफ। ये दोस्तों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी, ठीक है, एन चैनल पी चैनल। फिर आ जाएगा मॉस्फेट, आईजीबीटी, थायरिस्टर, डायक, ट्राइक और जीटीओ। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को लेक्चर काफी पसंद आया होगा, यदि अच्छा लगे तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों,
ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना, और यदि आप फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल पे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नए वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आए उनका तुरंत नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।